हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन जो लोग गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन में जो कैसीनो गेम्स खेलते हैं, उन लोगों को किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद हो सकता है आपके काम आ सके। पहला मेरा एक जो मेरी पहली स्टेटमेंट है वो ये है कि आपको गैम्बलिंग करनी ही नहीं चाहिए। बहुत सेंसिटिव जोन है और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपने ज़रा सी चूक करी तो आपका सब कुछ बर्बाद कर देगी कुछ सालों में, आप ही करोगे अपना नाश। दूसरा, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में एक आपको टाइम बहुत कम मिलता है, आप अपने कंफर्टेबल जोन की वजह से गड़बड़ करते हो, आप अलर्ट कम रहते हो। और ऑनलाइन में जो छोटी साइट्स हैं, जो ऐसी लुक्की बुक्की साइट्स होती हैं, वो कई बार आपको विड्रॉल नहीं देंगी, कई बार आपका पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल में आपको इतना तंग कर देंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर वो गेम में आपका फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। या कई बार अगर आप बड़ा जीत गए तो ऐसी भी शिकायतें लोगों ने करी है कि भी मतलब आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, और ऑनलाइन नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक तरह से सिगरेट की तरह है कि जो हर वक्त आपके जेब में पड़ी है और कभी भी आप निकाल के पीते रहते हो, जो आपको ज़्यादा नुकसान देती है। ऑफलाइन कैसीनो शराब की तरह है, दोनों ही जहर। और मैं फिर भी क्यों किसी साइट का प्रमोशन करता हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन के अंदर सावधानियाँ नोट कर लो कि क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए आपको। सबसे पहली सावधानी, ऑनलाइन जो लोग खेल रहे हैं, पहला नियम ये कि खेलना ही नहीं ऑनलाइन। देखो, ये पहला नियम ध्यान में रखना, सबसे ऊपर इसको बोल्ड में लिखना कि ये खेलना ही नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप चाहे कभी पैसे इकट्ठे करके या जितना पैसा आप इसमें गवा दोगे उसमें आप नेपाल जा सकते हो, गोवा आ सकते हो, पर ऑनलाइन तो आपको खा जाएगा। आप ऑनलाइन से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, वो एक ऐसी चुड़ैल की तरह आपके साथ चिपक जाएगा कि आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो सावधानियों की बात करते हैं, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन के अंदर जब भी आप गेम खेलो तो उसकी आवाज़ को बंद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आवाज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके अंदर आपको भड़काती है, उत्तेजना करती है। वो लाउड म्यूज़िक, छन 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 छन, ये वो फलाना ढिमकाना, वो इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्री करते हैं, वो सब आपको भड़काते हैं कि मतलब आप एक प्लेयर हो, भागो वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप की फ्लो आपके अंदर जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो आवाज़ को बंद करना ताकि आपकी एक जो ज्ञानेंद्रिय है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको। दूसरे नंबर पर ब्राइटनेस को भी कम रखना, उतनी ही रखना जितनी आपको ज़रूरत हो आपकी आंखों के लिए। एक उसमें आता है ना, कई आजकल अच्छे फ़ोनों में शील्ड भी आता है कि उसको ऑन कर दो तो वो थोड़ी सी येलो रहती है, आंखों को नुकसान कम देती है, मतलब ब्राइटनेस भी थोड़ी कम रखना। तीसरी चीज़, जब भी ऑनलाइन बैटिंग करो आप ऑनलाइन में, तो कोशिश करो कि पूरे फोकस, एक दुकान जैसे आदमी दुकान खोलता है ना अपनी, सुबह उठ के नहा धो करके पूजा पाठ करके ढंग से साफ सफाई करके, ऐसे प्रॉपर एक अटेंशन मोड में बैठना। ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं, मूंगफली चबा रहे हैं, बैट लगा रहे हैं, पैग लगा रहे हैं, बैट लगा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, एक तरह से फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। ये तो बिल्कुल लफंडरगिरी वाला तरीका है, इसमें तो सब पैसा जाएगा। आप जितने मर्जी राजाशाही वाला तरीका अपना लो। इसके बाद आपको एक और क्या बात का ध्यान रखना है कि जैसे दुकान आदमी खोलता है और शाम को गल्ला मिला करके दुकान बंद करता है ना पैसे काउंट करता हुआ, ऐसे ही आपने जब भी इसमें जा रहे हो आप उसी टाइम जो भी आपका बजट है आप उसको डिपॉजिट करो, और उसको जब वो गेम ख़त्म हो जाए, जब आपको लगे कि आपका टारगेट हो गया है पूरा, या आपको लग रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, पर जो भी बचा हुआ है उसको छोड़ना मत, जीरो बैलेंस करना। मतलब रोज़ के रोज़ डिपॉजिट करो, रोज़ के रोज़ खेलो, निकाल लो पैसा, मतलब बैलेंस नहीं छोड़ना है कि अरे यार कल फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया उसी में पड़े रहने दो। ये गलती मत करना, 10 बार में 8 बार टिके रहोगे, 2 बार में ये पैसा पूरा का पूरा चले जाएगा। उसके बाद आपको एक बात का और क्या ध्यान रखना है कि ऑनलाइन में जब भी आप पैसा डालो तो वो पैसा उतना ही होना चाहिए जितना पैसा आप लूज़ कर सकते हो। बैकअप के नाम पे पैसा कभी मत डालना कि नहीं नहीं मैं खेलूंगा तो 5,000 से, पर मैं 20,000 डाल देता हूँ, 15,000 पड़े रहते ना, तो हौसला रहता है, वो हौसला वौसला सब धरा रह जाएगा, सीधा का सीधा वो 15,000 ऐसे उंगली थर 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 चलेगी ना, जब खून में उबाल आता है तो फिर आप 5,000 पे रोक नहीं पाओगे। तो आपका अगर बजट जो भी है कि मेरे को इतने पैसे से खेलना है, और वो पैसा वो क्या हो, कितना होना चाहिए, जितना कि आप एक बार में गवा सकते हो, जीरो कर सकते हो, तो उतना ही। बैकअप के नाम पर पैसा डिपॉजिट मत करना, ठीक है, बच जाओगे हमेशा, बता रहा हूँ। एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोलता हूँ तो इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही जो मेरे को आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। एक बात का और ध्यान रखना कि जैसे आपने पैसा उतना ही डिपॉजिट करना जितना आप जीरो कर सकते हो,
बैकअप के नाम पे पैसा मत रखना, और क्या था, बैकअप के नाम पे पैसा मत रखना, टारगेट पूरा होते ही, टारगेट पूरा होने के बाद अगर कोई ऐसी बेट आए जिस पे आपका 1,10,000 भी हो सकता है तो भी आपको बेट नहीं लगानी है। अगर आप वो बेट लगाते हो और जीत भी जाते हो, समझ लेना आप पक्का ओवरऑल इसमें माइनस में रहोगे। जैसे मान लो आपने बोला कि यार मैं 5,000 डाल रहा हूँ, मेरे 5,000-15,000 होते ही, 12,000 होते ही, या जो भी आपने सोचा हुआ है उसको सोचते के बाद इतना में अगर वो उसको टच कर गया तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर लेना। राउंड फिगर के चक्कर में मत रहना कि अरे कितने, मैंने तो 5,000 डाले थे, मैंने सोचा था कि यार 12,000 पे बंद कर दूंगा गेम, अभी 12,800 रुपये हैं तो चलो 800 का ऊपर से खेलता हूँ। मालूम क्या करेगा वो 800 रुपया, अगर वो चले भी गया ना तो आपको इस वो जो आपकी जीतने की खुशी है ना उसको कम कर देगा। अरे यार 800 रुपये यार अच्छे भले थे यार, इसलिए राउंड फिगर के चक्कर में मत रहना, पूरा अकाउंट निल कर देना। फिर उसके बाद चाहे वो श्योर श्योर उसके बाद देखना मत, क्योंकि देखोगे ना तो वो वही नंबर आएगा जिस पे आप वो 800 रुपये लगाने वाले थे, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी और फिर क्या करोगे, अगली बार आप ठोक दोगे 800 रुपया और वो नंबर नहीं मारेगा, फिर आपकी गेम वापस शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपने एग्जिट करना था, वहाँ एग्जिट होने की बजाय रुकने की बजाय फिर शुरू हो जाओगे। इसलिए जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाए जितने भी पैसे पड़े हैं पूरे पैसे विड्रॉल कर लेना और गेम की हिस्ट्री मत देखना, भले ही वो नंबर ये मत चेक करना कि वो जो नंबर मैंने सोचा वो आया था कि नहीं आया था, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन खेलते हैं उनको एक दिन में 2 से 12 ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए और एक अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट के बीच में कम से कम 8 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपका दिमाग नहीं तो पुराने रेफरेंस के ऊपर चलेगा और आपको लॉस देगा। इसके अलावा आपको हफ्ते में 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं खेलना अल्टरनेट डे में। ये कोई सरकारी बाबू की नौकरी नहीं है, आप तो इसको सरकारी बाबू की नौकरी की तरह करते हो कि रोज़ करना है, और सरकारी बाबू तो फिर भी सैटरडे संडे छुट्टी ले लेता है, आप तो वो भी नहीं लेते हो। तो आपको करना क्या है, हफ्ते में एक दिन खेलना, एक दिन नहीं खेलना है, या अगर आपको लगातार भी खेलना है तो 3 या 4 दिन खेलना, 3 दिन नहीं खेलना है। दिमाग में बने हुए पैटर्न को डिलीट तो होने दो, नहीं तो वो हर बार वो आपके एक नंबर जो आया था जी इसमें मैंने एक बार इतना कमाया था तो हर बार वही जिंदगी भर वही नंबर पकड़ के बैठे रहोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा आपकी बेट बड़ी होती चली जाएगी। रूलेट में वही जीतता है जो सिर्फ 7-8 नंबर प्रिडिक्ट कर पाता है, बाकी के नंबर वो अड़ोस पड़ोस के नाम पे रैंडम के नाम पे हल्के फुल्के पैसे लगा देता है कि अगर बाई चांस मेरे कैलकुलेशन से थोड़ी बहुत दाएं बाएं भी हो तो एटलीस्ट बेट का पैसा आ जाए या छोटा प्रॉफिट आ जाए। समझे बात आप, ये जो होता है ना कि 25 नंबर भर लो 30 नंबर भर लो प्रोबेबिलिटी वाले, ये सब बर्बाद हो जाओगे, होते हैं। आप कमेंट पढ़ो ना मेरे वीडियोस के नीचे। दूसरा, मैं इस बात के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ जो परसेंटेज में पैसा कमाना चाहते हैं कि अरे 1,00,000 रुपये डालो 3% का प्रॉफिट रोज का रखो देखो कैसे जीतोगे कैसे नहीं जीतोगे, अरे 6% का प्रॉफिट होना चाहिए, जितने भी परसेंटेज वाले मतलब आप इनके इनको बोलो अपनी अकल का जरा ढक्कन खोलो और बोलो कि आप 1,00,000 रुपये लेके बैठे हो और 5% या 3% या 10% की बात करते हो, मतलब कि आप रोटी खाते हो क्या खाते हो, कि मतलब आप अपना 90% दाव पे लगा रहे हो और उसका सिर्फ 10% लोगे। अगर आप 10% 6% वाले को बोलो कि मतलब आप उसका तो 6% आते ही आप गेम बंद कर दोगे और आपका कहाँ तक जा सकता है, मतलब आप 94% उसको एक्स्ट्रा देने को तैयार हो, मतलब आपका रिस्क पे रहेगा 100%, उसका रिस्क पे रहेगा सिर्फ 6%, ये कौन सी अकलमंदी है, ये तो गेम उल्टी होनी चाहिए। पर कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इसमें अंदाज़ा भी तो है कि मतलब प्रोबेबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप 10 में से 8 बार जीतोगे, आप 10 में से 8 बार जीत लो 6% के हिसाब से और 2 बार जब खोपड़ी पे शैतान नाचेगा तो जितना 6 महीने में कमाया हुआ है सारा चले जाएगा फिर वहीं के वहीं। अब आती है बात इसमें एक और कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हम तो स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। बुलशिट बोलते गाय के गोबर को, गोबर है ये स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस। बैटिंग के अंदर स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, बैटिंग के अंदर स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर बताऊंगा। तो आज के इतने सारे टिप्स ऑनलाइन के लिए बहुत हैं, इसके अलावा भी हैं, जैसे जैसे दिमाग में आते रहेंगे बोलते रहूँगा क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलता हूँ, तो जो छूट गए होंगे फिर किसी वीडियो में बोल देंगे, आप कौन सा कल मरने वाले हो या मैं कौन सा कल मरने वाला हूँ और कल कौन सा कसीनो बंद होने वाला है, ना ये सोच के खेलोगे हमेशा जीतोगे। ये जो होता है ना आज ही करोड़पति बनना, इसलिए हारते हो आप लोग। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।